जानते ये बकरा ईद आने वाली है, इसी तरह हमने ये बकरे लिए हैं। चलो बकरे देखते हैं भाई। भाई सुन्नत इब्राहिमी को आप फॉलो करते रहेंगे और चलिए देखते हैं बकरे किस तरह। हाँ भाई ये देखो हमारे बकरे ये हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि तुमने सांडे वांडे नहीं लिए, लेकिन भाई एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा सांड है। अब देखो भाई इब्राहिमी सुन्नत में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि उसका इतना बड़ा सांड है, ये बोला है ये लाया है 1 करोड़। ये पीछे से मेरा भाई बोल रहा है छोटा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा भाई। अब देखो जो भी बकरा हो अच्छा होता है, हमें इब्राहिमी सुन्नत पे जाना होता है। ये देखो मेरा छोटा भाई है और बाकी ये इसको पूरा भाइयों की तरह रखना है, मतलब हमें तो भाई समझता नहीं है लेकिन इसको पूरा भाई समझ रहा है ये। और बाकी अपना ये वाला बकरा तो फिर भी खा रहा है, लेकिन उसके साथ थोड़ा मसला लग रहा है हमें कि वो कुछ खा नहीं रहा है, मसला लग रहा है, पूरा सुस्त लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। और बाकी ये औरों के बकरे खड़े हुए, हमने आप कह रहे 20 मिनट में बकरे रखे हैं। मंडी से ढूंढ के लाया हूँ प्यारा। बाकी आप लोग कह रहे होगे भाई ये तुमने बकरे अंदर क्यों रखे हैं, इनके अंदर रखने के भाई ऐसा हो रहा था सुबह बारिश होगी लेकिन नहीं बारिश नहीं हुई, तो यार अभी हम सोच रहे हैं बारिश हो गई हो तो भाई अभी हम देख रहे हैं क्या। बाकी बकरे बारिश हो रही थी बहुत शदीद वाली, कल गंदी कराची में बारिश हुई है। बाकी ये देखें कैसे सो रहा है, फुल सुस्त हो रहा है ये भी। हाँ घुमाएंगे बाद में घुमाएंगे, रुको। बाकी देखिए खड़ा हो रहा है ये वाला तो बकरा फिर भी, और बाकी ये तो ये वाला तो अब खड़ा हुआ है काफ़ी देर से। इसकी भी सुन लो भाई, भाई बहुत स्मार्ट है इसकी। और जो आपको एक वीडियो ने दिखाई क्योंकि उसमें गया हुआ, मैंने एक बकरे को उसमें से जंगली कर दिया। बाकी तो भाई इसके बकरों के साथ हरकतें कर रहा होता है, कभी बकरी खाल दबा लेता है और बकरा पूरा उछलने लग जाता है। बाकी ये सीन है और बाकी ये बकरे खड़े हैं, गायें भी ऊपर खड़ी हुई हैं, लेकिन गायें ऊपर खड़ी हुई है गायों के पास भी चलते हैं, वो हमारी हैं नहीं, उसमें से एक भी 4 गायें आई हैं बिल्डिंग में टोटल। और ये सीन चल रहा है मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ, मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ प्यारा जानवर। गाय के पास चलते हैं और देखते हैं गाय क्या कर रही है। गायों को हमने ऊपर खड़ा कर दिया क्योंकि जगह बहुत कंज्यूम कर रही थी। बाकी बकरे अभी इधर ही खड़े हुए हैं, ये देखें ये अपना काम कर रहा है बकरा। और बाकी यही सीन चल रहा है, चले गायों को देखें। गाय के पास जा रहे हैं यार, देखो भाई गाय ना 4 बिल्डिंग में आई है और भाई 15 बकरियाँ हैं। इस इलाके में हमारा ये एरिया है, जितना भी एक गली वाला पोर्शन है हमारी बिल्डिंग में ही ज़्यादातर मवेशी आए हैं। किसी किसी की आई है, वो जो सामने सामने वालों की 2 बकरियाँ हैं शायद, और इधर ये देखें गाय वाला आया है। चलिए गायों को बिल्डिंग की 4 गायें ये वाली आई है और बाकी इस पास जाने की हिम्मत मेरी हुई नहीं। देखो ना वो वाली जो गाय है ना, ये वाली जो है ये बहुत डांटती भाई, छोटे का ख्याल रखना ज़रा। वो फंस गया वहाँ पे भाई, ये देखो मेरा भाई वहाँ पे फंस गया था। ये वाली जो गाय है ये सबसे ज़्यादा शरीफ है और ये भी शरीफ है, लेकिन ये जो दो गायें खड़ी हैं बड़ी खुराट है, इनका पता नहीं होता किसी को भी मार देती हैं। ये रस्सी भी तोड़ दी थी, इस वाले ने रस्सी तोड़ दी थी आगे साथ ही, और बाकी इसने तो कुछ खास किया नहीं, अभी तो चुपचाप ही बैठी है। वो हमेशा खड़ी रहती है और बस पूंछ मार है, जो पीछे आता है पूंछ मारती है, किसी को अपने पास देख नहीं सकती है, तो इसका ज़्यादा खतरा लगा रहता है। शुक्र ये पीछे से रास्ता है, मैं रास्ते से निकल सकता हूँ, ये खड़ी होगी इधर आ गई रस्सी रस्सी तोड़ के। बाकी ये बिल्डिंग की 4 गायें आई हैं और वो थोड़े आप देख सकते हैं बकरे, ये बकरे खड़े हैं यहाँ पे बिल्डिंग के, कुछ ऊपर खड़े हैं कुछ नीचे खड़े हैं। बाकी ऊपर ये और किसी और के बकरे खड़े हैं, वो छोटे बच्चे खेल रहे हैं और बाकी इनका और तो कुछ है नहीं। बाकी ये सीन चल रहा है इधर, और बाकी ये गाय भी सुस्त पड़ी है, ये भी सुस्त पड़ी है, बाकी वो हमेशा खड़ी रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी और तो इधर कुछ है नहीं, सामने बिल्डिंग में भी गाय आई नहीं है ना, पीछे गली में आई, पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा हमारी गायें हैं,
हमारी बिल्डिंग की पूरी पूरे मोहल्ले में से ज़्यादा गायें आई हैं। ये देखें हमारे 7 बकरे इधर बांधे हुए, एक वो रहा बेचारा अकेला बैठा हुआ है। तो गाइज ये भी एक, तो यार देखो भाई आज बारिश का बहुत हो रहा था, कह रहे थे कि बारिश होगी होगी, तो इसलिए बकरे अंदर बांधे हुए कुछ। तो यार ये देखें हमारा ये वाला बकरा नहीं है, लेकिन देखो ये भी हमारे दोस्तों का बकरा है, ये भी है देखें। तो यार देखो भाई कुर्बानी के लिए आप ये नहीं सोचो कि आपको क्या क्या कितने जानवर चाहिए, आप ये सोचो कि आप क्या क्या ले सकते हो। तो यार आप ऐसा नहीं बोलो कि यार इसके पास गाय है तो मैं भी गाय ज़िबा करूँ, नहीं आपको ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना होता है। कोई बकरा ज़िबा करता है, कोई दुम्बा ज़िबा करता है, तो कोई गायें ज़िबा करता है। तो आप ये नहीं सोचो कि मैं गायें क्यों ना ज़िबा करूँ, आपको जितना अच्छा, आपको एक जानवर भी आप जितना छोटा भी भले ज़िबा करो लेकिन करो। आप ये नहीं सोचो कि मैं बकरा वो बकरा ज़िबा कर रहा है तो मैं 4 बकरे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। आप किसी को अपने आगे कम नहीं समझो, किसी को अपने ऊपर ज़्यादा नहीं समझो, सारे बराबर हैं, सबको इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो करना है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।